गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट हुआ ट्रिमेटोड्स, आपके कंप्लीट हो गए थे। आज है आपका सेस्टोड्स, ठीक है। ट्रिमेटोड्स कौन थे आपके? जो आपके अनसेगमेंटेड हेलमिंथीज थे, ठीक है। हेलमिंथीज यानी कि जो आपके कृमि होती हैं, सारी की सारी वॉर्म्स होती हैं जितनी भी, ठीक है। तो जो उनमें अनसेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी इसके पहले आपको जो आपका ये वाला देख लीजिए, आपका यहाँ पे जो आपका एस हेमेटोबियम था, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। तो एस हेमेटोबियम में क्या था आपका, कि जो आपका जो ये थे आपके मेल और फीमेल थे, उनके बीच में किसी टाइप का आपको सेगमेंट नहीं दिखाई देगा, यानी कि बीच में किसी टाइप की लाइंस नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। वो जो क्या है, पूरी बॉडी आपकी एक एक शेप में है, ठीक है। आपका कहीं पे भी क्या नहीं है, आपका बीच में सेगमेंट नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सेस्टोड के केस में आपको क्या मिलेंगी, आपका बीच में आपको क्या मिलेंगे, सेगमेंट मिलेंगे, बॉडी आपकी सेगमेंटेड होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका टीनिया सोडियम, ठीक है। इट मीन्स रिबन। देखिए सेस्टोड का, देखिए आपके क्या होते हैं, सेस्टोड में जो आते हैं रिबन शेप्ड वॉर्म्स आती हैं, जो आपके एंडोपैरासाइट्स हैं, आपके सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स और वॉर्म्स आपकी सब फीता कृमि की आती है इसके अंदर, ठीक है। टेप वॉर्म बोलते हैं आपका, या पॉर्क वॉर्म बोलते हैं। दे आर सेगमेंटेड टेप वॉर्म। सेगमेंटेड यानी कि बॉडी जो होगी आपका सेगमेंट में बंटी हुई होगी। वो साइज वेरी फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स। दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी एंड एलिमेंट्री केनाल। अब एलिमेंट्री केनाल क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे एनाटॉमी में बताऊंगी कि आपका टीनिया सोलियम की एनाटॉमी किस टाइप से होती है, जिस वजह से उसके अंदर आपकी एलिमेंट्री केनाल प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एस हेमेटोबियम की, या फिर आपका एस चपोनिकम, जितने भी आपके इसके अंदर आते हैं, ये जो ये इनमें देखिए आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। इनमें किसी टाइप का सेगमेंट नहीं है बॉडी के अंदर, किसी टाइप का सेगमेंट नहीं मिलेगा आपको, इस टाइप से कोई सेगमेंट नहीं मिलेगा। इनकी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सीधी मिलेगी आपको, ठीक है। इसके बीच में कोई सेगमेंट नहीं होंगे, ठीक है। ये सेगमेंट्स आपके यहाँ पे नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके सेस्टोड के अंदर जो आपका फीता कृमि हम पढ़ेंगे, आपका जो टेप वॉर्म है टीनिया सोलियम, उसमें आपको सेगमेंट मिलेंगे। और उन्हीं सेगमेंट्स की वजह से उसकी जो बॉडी का हर एक सेगमेंट होता है, उन सेगमेंट्स के बीच में एक बस एक कनेक्शन होता है कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके बीच में किसी टाइप का क्या नहीं होता है, लिविंग रिलेशनशिप नहीं होती है कि दूसरा एक दूसरे को क्या कर रहा है, किसी टाइप से सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए आगे टीनिया सोलियम का स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए टीनिया सोलियम पॉर्क टेप वॉर्म। देखिए जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इट इज वर्ल्ड वाइड स्पेशली पॉर्क ईटिंग पर्सन। पॉर्क ईटिंग पर्सन, व्हाट इज द पॉर्क? देखिए पॉर्क क्या है आपका, ये आपका चिकन, सुअर का जो मांस होता है, वो कच्चा मांस, ठीक है। वो जहाँ जहाँ आप सुअर का कच्चा मांस खाया जाता है, वहाँ वहाँ आपके टीनिया सोलियम पाए जाते हैं। बिकॉज आपका जो प्राइमरी होस्ट है इसका, वो है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी है, फिर आपका इंटरमीडिएट होस्ट है, वो है आपका पिग। तो जहाँ जहाँ आपके पिग पाए जाते हैं, या फिर पिग का आपका पिग जो जहाँ जहाँ पिग का मांस खाया जाता है, वहाँ वहाँ आपका टीनिया सोलियम प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद देखिए अडल्ट वॉर्म हैबिटेट देख लीजिए। अडल्ट वॉर्म लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी में रहता है अडल्ट। कभी कभी क्या होता है, इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो आपका प्राइमरी होस्ट में कुत्ते बिल्ली भी आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्पेशली उन्होंने ह्यूमन के लिए नहीं लिखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, क्योंकि हमने ह्यूमन का केस देखना है, ठीक है, तो ह्यूमन के केस में आपका जो होता है वो होगा आपका प्राइमरी यानी कि आपका डेफिनेटिव होस्ट। अडल्ट वॉर्म में देखिए इट मीजर्स 2 and 3 meters लॉन्ग, ठीक है। आपकी आंत में पूरा फैला हुआ रहता है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देता है। उसके बाद देखिए इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्कॉलेक्स और आपका उसके बाद नेक, ठीक है। इसको मैं आपको स्ट्रक्चर में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है आपके यहाँ पे, ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है। ये आपका हेड है इसका, ठीक है। ये आपका सबसे टॉप का हेड है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आपका इसका होल एरिया में देखिए, ये यहाँ पे हेड है। हेड जो होता है एक पिन पॉइंट होता है, जैसे आल पिन होती है, बिल्कुल उसी शेप का होता है, बहुत ही छोटा होता है। और ये आपकी जो आपकी माइक्रोबिलाइज होते हैं, ये आपकी माइक्रोबिलाइज हैं, ठीक है। इनके अंदर आपका एम्बेडेड रहता है, यहाँ पे आपका एम्बेडेड रहेगा, ठीक है। इस टाइप से आपका एम्बेडेड रहेगा यहाँ पे, और इस टाइप से ये आपका पीछे की तरफ फैलता जाता है। उसके बाद देखिए इसके कुछ बॉडी के थोड़ा बाद, यहाँ देखिए यहाँ पे सेगमेंट होने स्टार्ट हो गए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपका ये दिखाई देगा आपको, बिल्कुल यहाँ पे सेगमेंट बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है।
तो यहाँ इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द प्रोलीफेरेशन, यहाँ पे एरिया ऑफ प्रोलीफेरेशन, यहाँ से आपके बॉडी के उसके बॉडी के सेगमेंट बने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए अब ये सेगमेंट्स दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आ गई आपकी नेक और यहाँ से आ गया आपका एरिया ऑफ प्रोलीफेरेशन, तो इसको बोलते हैं आपका नेक। ठीक है, ये आपका ये वाला रीज़न आ गया आपका नेक रीज़न। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आपका इसके बाद पीछे पीछे की साइड क्या होता है बॉडी में, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसमें सेगमेंट बनते जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेता है आपका म्यूकोसा, इतना ही आपका क्या होता है म्यूकोसा के अंदर रहता है। ठीक है, इतना ही आपका म्यूकोसा के अंदर रहता है। तो ये इतना जो नेक रीजन तक होता है ये सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता है आपका कहाँ से, म्यूकोसा से, म्यूकोसा से आपका आपको क्या ले लेगा वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। और जो इसके बाद की आपके जो ये रीजन्स हैं, ये वाले रीजन्स, जैसे ये वाला रीज़न हो गया आपके, ये देखिए ये सेगमेंट 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 में आपके बंटे हुए हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे जो ये आपका पहला, यहाँ पे देखिए आपका ये जो सेगमेंट बन रहे हैं, ये फर्स्ट सेगमेंट, देन सेकेंड सेगमेंट, देन थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, इसके बाद बहुत सारे सेगमेंट सेगमेंट बनते जाएंगे। इसकी बॉडी में लगभग आपके 500 से 600 तक के सेगमेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आपका ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ सेगमेंट्स क्या होते हैं, पुश होते जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये बनते जाएंगे। ठीक है, आपका नेक भी इंक्रीज होता जाएगा और नए नए बनते जाएंगे और ये पीछे की तरफ आपका पुश होता जाता है। तो जो प्रोग्लोटिड्स, इनको क्या बोलते हैं आपका, जो ये आपकी ये बन रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी आगे की तरफ छोटे प्रोग्लोटिड्स हैं और पीछे की तरफ ये बड़े बड़े होते जाएंगे और आपका कुछ इस टाइप का शेप आ जाएगा इनका लास्ट में जो इनका शेप कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, ये आपका मैच्योर है। और जो ये आपके फर्स्ट फर्स्ट में आपके बन रहे हैं, ये देखिए जो यहाँ पे ये बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये बनने स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये जितने भी आपके यहाँ पे बने हुए हैं ये आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए ये सारे के सारे सेगमेंट, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं सारे ये मैच्योर सेगमेंट हैं। धीरे धीरे जाकर इनका साइज इंक्रीज होता जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे की तरफ से छोटा है, पीछे की तरफ से बड़ा है, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका स्कॉलेक्स है ये अपना साइज इंक्रीज नहीं करता, ये अपना साइज कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ये पीछे की तरफ क्या होता है, सेगमेंट होते हैं। यहाँ से देखिए जब ये न्यूट्रिशन लेता है तो ये अंदर की तरफ न्यूट्रिशन लेता है, ना कि इसके बीच में कहीं भी एलिमेंट्री केनाल होती है। इसकी बॉडी के अंदर किसी टाइप की एलिमेंट्री केनाल नहीं होती है। ये जो होता है अपनी स्किन के थ्रू, ये जो आपकी ये स्किन है इसकी, ये देख लीजिए आपका ये जो स्किन है आपकी, ये वाली स्किन, इसके बाहर से अंदर की तरफ क्या करता है, कंजप्शन करता है। इसमें अंदर की तरफ आपका क्या जाता है, न्यूट्रिशन जाता है। बॉडी से जो बॉडी का अधपचा हुआ खाना रहता है ये तो म्यूकोसा के अंदर आ जाता है, लेकिन जो आउटर रीजन्स है आपकी, ये जितनी भी आपके आउटर रीजन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे बाहर की तरफ से कंजप्शन करते हैं न्यूट्रिशन का और अंदर की तरफ लेते जाते हैं। तो हर प्रोग्लोटिड्स की एक अलग फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, मैं बात करूं अगर हर प्रोग्लोटिड्स की, तो ये देखिए अगर मैं इस प्रोग्लोटिड की बात करूं, एक सिंगल प्रोग्लोटिड की बात करूं, ये वाला प्रोग्लोटिड, ठीक है, देखिए ये जो है ये सिर्फ इस वाले से इसका क्या रिलेशन है कि ये सिर्फ इस पॉइंट से कनेक्ट है, ये इस वाले पॉइंट से आपका कनेक्ट है, बाकी इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखिए इसका फूड होगा जो, ठीक है, जो इसका फूड होगा, ठीक है, इसका जो फूड होगा ये बाहर से कंजप्शन करेगा, कहाँ से कंजप्शन करेगा, बाहर से। तो देखिए ये क्या था, ये एक टाइम था, ये वाला जो था ये कभी इसके स्पेस पे था होगा, ठीक है, ये वाला जो है ये कभी इसके स्पेस पे था और ये वाला जो है ये कुछ इसके स्पेस में था, और आपका जो ये सारे के सारे थे ये एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे ये यहाँ पे थे, इस वाले पोर्शन पे थे यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये पीछे जाते जाते न्यूट्रिशन लेते जाते हैं और ग्रोथ करते जाते हैं, न्यूट्रिशन लेते जाते हैं और ग्रोथ करते जाते हैं, और लास्ट में इनका जो होता है, जो इनका ये होता है साइज होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है और ये लास्ट में आपका कुछ इस शेप में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो ग्रोथ है, उन ग्रोथ हो क्यों रही है और कहाँ पे, जब इनमें ग्रोथ होती है तो किस चीज़ के लिए होती है, तो आपका जो ये मैच्योर प्रोग्लोटिड है, ये वाला जो मैच्योर प्रोग्लोटिड है, इसमें आपका मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रीजन में एग बनते हैं और मेल रीजन में आपके स्पर्म फॉर्म होते हैं,
और उसके बाद इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इस बनते हैं आपके छोटे छोटे एग्स, ठीक है। एक प्रोग्लोटिड्स लगभग आपके 200 से 300 तक एग क्या करता है आपका, कंटेन करता है। और ये 200 से 300 एग सारे के सारे फर्टिलाइज होते हैं, और जब ये बॉडी के साथ ये वाला पार्ट क्या होगा आपके स्टूल सैंपल के साथ आपका बाहर आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा आपका स्टूल सैंपल के साथ बाहर आ जाएगा, ये स्टूल सैंपल के साथ क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। और इसी को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं, स्टूल सैंपल में आपको यही प्रोग्लोटिड्स देखने होते हैं। आई होप समझ में आया होगा इसकी बॉडी की एनाटॉमी, और आपका ये बॉडी से जब बाहर आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, तो ये प्रोग्लोटिड्स आपको दिखाई देते हैं, और कभी कभी आपको एग भी दिखाई देते हैं, ये आपको एग भी दिखाई देंगी। तो आपका ये समझ में आया होगा एनाटॉमी। अब देखिए एनाटॉमी तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या देता है। देखिए आपका जो टीनिया सोलियम है वो पैथोजेनेसिस क्या देता है, ये ह्यूमन बॉडी में आपका देखिए इतना ज़्यादा कंजप्शन करता है, तो जिस वजह से उल्टी या फिर आपको मिचली आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद कमजोरी बॉडी में क्या होती है, कमजोरी आना स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, डाइजेशन बिल्कुल आपका पुअर हो जाता है, आपका खाना पचाने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपका ये आपका क्या है, कोई एनिमल है, आप चिकन खाते हो, चिकन तो पच जाता है, लेकिन आपका ये क्यों नहीं पच रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आया। तो देखिए जितने भी आपके एनिमल्स हैं जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, उन सब के बाहर से क्यूटिकल की लेयर होती है। ये देखिए इसके बाहर क्या है, क्यूटिकल की लेयर है, क्यूटिकल, ठीक है। ये क्यूटिकल की जो लेयर है आपकी, ये क्यूटिकल की लेयर क्या करती है आपका, इसको कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जब इसकी सरफेस पे अटैक करता है तो उसको आपका क्या नहीं करने देता है, इसकी बॉडी पे अटैक नहीं करने देता है, जिस वजह से इसकी बॉडी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आंतों में सरवाइव कर जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि ये सांस कैसे लेता है, तो याद रखिएगा इसके अंदर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसा होगा आपका, एनारोबिक, यानी कि किसी टाइप की एयर को ये यूज़ नहीं करता है, या फिर खाने के साथ जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत जाती है उसी का यूज़ कर लेता है इस, यानी कि इसके अंदर किसी टाइप नॉर्मल, मतलब मोस्टली क्या है आपका, जो थ्योरीज मानी जाती है वो मानी जाती है, यही मानी जाती है कि इसके अंदर जो होता है लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका ये टीनिया सोलियम परफॉर्म करता है, और बॉडी में जब ये आपका क्या हो जाता है, लगातार क्या होता है आपका स्क्रोलेक्स जो होते हैं म्यूकोसा के अंदर ये होता है एम्बेडेड होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका म्यूकस या म्यूकस लेयर जो होगी उसके अंदर एम्बेडेड होगा, और बाकी जो सारा का सारा रीजन है वो न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका जो आपका अधपचा हुआ खाना रहता है उससे लेते हैं। उसके बाद आपका बॉडी से इसकी जो लास्ट पोर्शन होती है, जो मैच्योर पोर्शन हो जाते हैं, फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं जो पोर्शन, ठीक है, वो सारे के सारे आपके स्टूल सैंपल के साथ आपका बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आपका अब देखिए पीक के अंदर ये कैसे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही एंटर हुआ, ठीक है, एंटर छोड़िए, ठीक है, आपकी इसी से स्टार्ट करते हैं आपका कहाँ से, ये आपकी छोटी आंत में है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी ये प्रोग्लोटिड्स बाहर की तरफ आए, ठीक है, यू कैन सी, ये देख लीजिए आपका ये प्रोग्लोटिड्स आपकी बॉडी से, इनकी बॉडी से बाहर है, प्रोग्लोटिड से आपका एग आया, ठीक है। अब देखिए एग क्या होगा, एग आपका कौन आपका एग इनटेक कर लेगा आपका, पिग। पिग क्या होता है आपका स्टूल्स के नज़दीक रहता है, ठीक है, स्टूल सैंपल्स इनके नज़दीक रहता है, कचरे में रहता है, ठीक है, जिसमें स्टूल के बहुत सारे सैंपल्स होते हैं, तो स्टूल को ये क्या करता है आपका इनटेक कर देता है, और ये आपका पिग के अंदर पहुंच जाएगा। अब जब ये पिग के अंदर जाता है तो ये पिग के अंदर लार्वल स्टेजेस में रहता है। लार्वल स्टेजेस क्या होती है, इसमें ऑंखो स्पेयर्स होते हैं आपके, ऑंखो स्पेयर्स। अब एक्चुअली इनको ऑंखो स्पेयर्स क्या बोलते हैं, जो आपके जो ऑंखो स्पेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो इनकी इनकी जो बॉडी पे होते हैं हुक्स बनते हैं, बहुत सारे हुक्स निकलते हैं इनमें, और वो हुक्स क्या होते हैं, जैसे इनके पेट में आपका ऑंखो स्पेयर पहुँचता है, वो इनकी जो म्यूकोसल लेयर होती है उसको क्या करता है, ब्रस्ट करता है, और आपका इनकी जो इनके जो पिक्स के ब्लड स्ट्रीम होते हैं उनके थ्रू आपकी इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं,
और आपका उसकी उसकी जो पूरी बॉडी के अंदर जब ये स्प्रेड हो जाते हैं तो वहाँ पे बनता है आपका लास्ट में आपका हेक्साकेंथ बनता है। ठीक है, हेक्साकेंथ में क्या होता है, 6 हुक होते हैं और वो बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद उनमें कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और वो 6 हुक भी क्या हो जाते हैं आपके आपके बंद हो जाते हैं, यानी कोटिंग हो जाने के बाद आपके अंदर की तरफ वो छिप छिप जाते हैं। उसके बाद जब ह्यूमन क्या करता है आपका इसको इंटेक करता है, जब इसका कच्चा मांस खाया जाता है, याद रखिए पका हुआ मांस नहीं बोल रहा हूँ मैं, कच्चा बोल रहा हूँ। पके हुए मांस में क्या हो जाता है, ऑंकोस्पियर क्या हो जाता है, कभी कभी आपका स्प्लिट हो जाता है, इस वजह से वो ख़राब भी हो जाएगा, यानी कि डेथ हो जाती है उसकी। लेकिन कच्चा मांस खाने पे, कच्चा मांस खाने पे ही ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, अब फिर से ये आ गया ह्यूमन की बॉडी में। तो इस टाइप से इसकी जो ये साइकिल चल रही है, ठीक है, ये इस टाइप से चलती जाती है। अब आती है बात कि आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करोगे। ठीक है, ह्यूमन की बॉडी में जब ये आ ही गया है तो आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करोगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन याद रखिए स्टूल सैंपल का हम यूज़ करेंगे। देखिए लार्वा, देख लीजिए, इट इज़ कॉल्ड द सिस्टस्कर्स सेलुलोज। ठीक है, आपको सिस्टस्कर्स या फिर आपका ऑन्कोस्पोर्स, ये सारे होते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपके इसके ये होते हैं, फेजेस होती हैं, इन फेजेस को आप पढ़ सकते हो अगर आप ज़्यादा डीप जाना चाहते हो उसमें। ठीक है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जैसे सिस्टस्कर्स हो गए, ठीक है, जो लास्ट में आपको जो फॉर्म मिलेगी वो सिस्टस्कर्स ही रहती है, और ऑन्कोस्पोर्स ऑन्कोस्पेयर्स। इट अकर्स इन द पिग्स एंड मैन। ठीक है, ह्यूमन और उसके अंदर आपका पिग्स के अंदर है। इट इज़ स्मॉल ओवल मिल्की वाइट ब्लैडर मेजरिंग अबाउट 8 to 10 mm इन साइज। इट कंटेन्स मिल्की फ्लूड रिच इन एल्ब्यूमिन एंड सॉल्ट। इट लाइज पैरेलल टू मसल्स। देखिए जो आप मैंने बताया उसकी पूरी बॉडी के अंदर आपके चले जाते हैं और मसल्स रीजन में सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मसल्स रीजन में क्या होते हैं, जो ह्यूमन होता है जो पॉर्क खाता है वो क्या होता है, मसल्स रीजन को ज़्यादातर खाते हैं, तो मसल्स रीजन में आपका चला जाता है और वहीं से वो मसल्स के थ्रू आपकी ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद स्पॉट, हाँ याद रखिएगा एक चीज़, यहाँ पे हम जो स्पॉट होते हैं, आप ब्लैक स्पॉट, आपके व्हाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, इस टाइप के स्पॉट्स आपको क्या होंगे, आप मसल्स रीजन में दिखाई देते हैं। अगर आपको इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं पॉर्क में तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। विच रिप्रेजेंट द फ्यूचर हेड इन्वेस्टिगेटेड इनटू ब्लैडर। ठीक है, जो उसका ब्लैडर होता है। द पॉर कंटेनिंग सिस्टस्कर्स इज यूजुअली नेम्ड एज मैसी पॉर्क, मैसी मैसली पॉर्क। ठीक है, आपका जिसमें सिस्टस्कर्स होते हैं उसको बोलते हैं आपका मैसली पॉर्क। इसके बाद देख लीजिए एग, देख लीजिए, ठीक है, स्पैरिकल एंड मीजर अबाउट 30 to 40 इन माइक्रोमीटर इन डायमीटर। थिन आउटर ट्रांसपेरेंट सेल एंड ऑन्कोस्पियर विद 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स। देख लीजिए 6 हुकलेट्स होते हैं आपके, अबाउट 80,000 एग्स इन अ प्रोग्लोटिड्स विच आर लिबरेटेड बाय रपच्चर एंड मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। एग रिमेन्स बाइबल अप टू 8 weeks। आपका क्या होता है, अगर भारी रहता है बाहर स्टूल सैंपल किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है और ये लिबरेट नहीं हुआ किसी के अंदर, मतलब आप इसको कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं मिला, तो आपको 8 weeks तक क्या होते हैं, यानी कि 2 महीने तक आपका क्या रहता है, बाइबल रह सकते हैं। उसके बाद लाइफ साइकिल देख लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। द पैरासाइट पासिस इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ठीक है, 2 होस्ट के अंदर आता है, द डेवलपमेंट होस्ट इन मैन एंड इंटरमीडिएट होस्ट यूजुअली पिग। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आ जाते हैं सीधे आपका डायग्नोसिस पे। ठीक है, डायग्नोसिस उन्होंने दे नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायग्नोसिस कैसे करना है। आपको डायग्नोसिस आपका जब करोगे तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी ये लेने स्टूल सैंपल को कलेक्ट करना है और स्टूल सैंपल में डेमोन्स्ट्रेशन करना है आपका एग्स का और आपका प्रोग्लोटिड्स का। उसके लिए आप स्टेनिंग भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग्स होती है। हाँ, जब ये क्या होता है, कभी कभी म्यूकस लेयर ज़्यादा अटैक कर देता है तो वहाँ पे क्या होते हैं आपका टॉक्सिन सीक्रेट हो जाता है इस कॉलेक्स के थ्रू, और वहाँ पे टॉक्सिन जब सीक्रेट होता है तो आपका इलिसा टेस्ट भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो कि कोई एंटीजन तो आपको प्रेजेंट नहीं है ब्लड में। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड में आपका कुछ अनदर डिसऑर्डर्स पा जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो डिसऑर्डर इसकी वजह से मिलती हैं आपको, वो मिलते हैं आपके ब्लड के अंदर, ये सॉरी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे डिसऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपका उल्टी हो गया, पेजेस हो गया, डिसेंट्रीज हो गया आपके, या फिर आपका म्यूकस सीक्रेट हो गया, जहाँ पे आपका ये अटैक करता है वहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाता है, तो म्यूकस आ सकता है, स्टूल सैंपल म्यूकस के साथ म्यूकस आ सकता है, या फिर ब्लीडिंग के केसेस भी बन सकते हैं। तो ये सारे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ज़्यादातर मोस्टली जो आपका ब्लड से ज़्यादा रिलेशन नहीं है, आपका ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसका जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है,
तो ये सारा था इसके अंदर। आई होप समझ में आया होगा आपके। तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे आपका निमेटोड्स। ठीक है, निमेटोड्स के अंदर आपके यहाँ अंदर आते हैं हुक वॉर्म जैसा आपका एनक्लाइस्टोमेटा ड्यूडीनल, और ये लास्ट पॉइंट है आपका इस चैप्टर का। उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे आगे पैरासाइट का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है या फिर आपकी स्टेनिंग होती है वो किस टाइप से करते हैं आप। थैंक यू।